जब हम ऑफिस जाएंगे या जब हम घूमने जाएंगे हम तभी सनस्क्रीन लगाएंगे। घर में सनस्क्रीन लगाना क्या मतलब है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में भी टैनिंग होती है? जी हाँ, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप घर में हैं तब भी सनस्क्रीन उतनी ही इंपॉर्टेंट है। कभी आपने आजमाया है आपके पैरों में टैनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है जबकि आप बाहर भी नहीं जा रहे हैं, कि पैरों की जो उंगलियां हैं वो बहुत ज़्यादा काली पड़ती जा रही हैं? सारी चीज़ें होती हैं आपके घर में ही। अगर आप केयर नहीं करेंगे तो भी आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो भी आपकी स्किन ख़राब हो गाइस वेलकम जाएगी। बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो है टैन रिमूवल रेमेडी। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं टैनिंग से, तो मैं उनको बता देती हूँ कि गाइस ये टेम्परेरी होती है। टैनिंग आपकी रिमूव हो जाती है अगर आप उसकी सही टाइम पे केयर करेंगे। टैनिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दें, लेकिन उतनी भी फिक्र ना करें कि टैनिंग मेरे हो गई है तो ये कैसे खत्म होगी, क्योंकि ये सब कुछ टेम्परेरी होता है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। टैनिंग हर किसी की होती है, इनफैक्ट मेरी भी बहुत ज़्यादा एक टाइम पे टैनिंग हो चुकी थी। मेरी भी कॉलेज डेज में बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी, क्योंकि कॉलेज डेज में क्या होता है, हम लोग बहुत केयर नहीं कर पाते हैं, धूप में निकलना, घूमना, स्कूटी से जाना एंड ऑल दैट, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है। चाहे आप जितना भी मुंह पे कपड़ा बांध लीजिए, जितना भी आप कवर कर लीजिए अपनी स्किन को, लेकिन टैनिंग तो होती ही है। जब आप डायरेक्ट सनलाइट में जा रहे हैं तो टैनिंग ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। वो टैनिंग टेम्प्रेरी थी, तो वो जो टैनिंग थी उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा केयर करी, उसके बाद वो धीरे 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 ख़त्म हो गई। लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि टैनिंग हो गई और मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया, ऐसा मैंने कभी नहीं किया है। हाथों में आपकी टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, हाथ की टैनिंग को रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपने सही टाइम पे उसकी केयर नहीं करी। तो फेस पे तो हम ध्यान दे देते हैं, लेकिन हाथ पैर पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें आप हाथ पैर पे भी ध्यान दे सकते हैं अगर आपकी टैनिंग हो रखी है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो गर्दन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ फेस फेस पे कोई भी मास्क या कोई भी रेमेडी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आपको ख्याल रखना है कि ये जो रेमेडी है ये आप गर्दन पे भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप अपने हाथों में भी लगा सकते हैं, गर्दन पे भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आपकी टैनिंग है वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी इसका मिलेगा, बट अगर आप बहुत ज़्यादा वरिड हैं अपनी टैनिंग को लेके, तो टैनिंग भी एक यू नो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी स्किन के लिए और ये एकदम नेचुरल है। तो चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। आप कोई रेमेडी यूज़ कर रहे हैं, हमेशा आपको पहला स्टेप क्लेंजिंग ही करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप है वो है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग आप अपने किसी जेंटल क्लेंजर से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप नॉर्मल फेस वॉश से अपने फेस को धो सकते हैं, दैट्स इट, आपका फेस क्लीन हो जाएगा। सेकेंड स्टेप है हमारा पैक। अब हमें क्या करना है पैक के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर आपके फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपकी टैनिंग को रिमूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है कॉफ़ी पाउडर, और उसके बाद सेकेंड इंग्रेडिएंट है यहाँ पर हनी। हनी मॉइस्चराइजिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है, हनी हमारे फेस को एक नेचुरल ग्लो देता है, बहुत ही माइल्ड है, जो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा फील कराता है। तो कॉफ़ी लेना है, उसके बाद हमें लेना है हनी 1 चम्मच, और उसको अच्छे से मिक्स करना है। इंग्रेडिएंट है वो है लेमन जूस। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इसको नहीं यूज़ करेंगे, और अगर आप लेमन जूस नहीं भी यूज़ करना चाह रहे हैं किसी भी वजह से, तो आपको यहाँ पे लेना है दही। फिर से बोल रही हूँ, सेंसिटिव स्किन वाले लेमन जूस को नहीं यूज़ करेंगे, वो नॉर्मल ये वाला फेस पैक यूज़ करेंगे। अगर आप लेमन जूस फेस पे यूज़ करते हो कुछ लोग, तो उनके फेस में इरिटेशन हो सकती है, फेस पे रैशेस पड़ सकते हैं, तो ये आपको ख्याल रखना है। नाउ अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है एंड योर पैक इज रेडी। सूखने वाला ये नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें हनी मिक्स है, लेकिन बहुत अच्छे से आपको अपने फेस पर इसको अप्लाई करना है। गर्दन को आपको नहीं भूलना है, आप चाहें तो हाथ पे भी लगा सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। सिर्फ 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, दैट्स इट। जो लोग लेमन जूस यूज कर रहे हैं, अगर आपको किसी भी तरह का इरिटेशन हो रहा है तो आप उसको फौरन हटा सकते हैं, और नहीं जो यूज कर रहे हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है। 10 मिनट हो गए, हमने इसको अच्छे से अपने फेस पे रख लिया। अब हमें क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, फेस को डायरेक्टली वॉश नहीं करेंगे, किसी वाइप से या किसी स्पॉन्ज से आपको उसको अच्छे से गीला करके और सिर्फ ऐसे दबा के, और फिर आपको अच्छे से बहुत हल्के हाथों से क्लीन करना है। इसको रगड़ना
बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है जब आप रगड़ें तो जो कॉफ़ी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी स्किन पे प्रॉब्लम कर सकते हैं, इरिटेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसको रगड़ना बिल्कुल भी नहीं, इसको बहुत आराम आराम से हटाना है। अब हमें क्या करना है, आप नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर लेंगी। थर्ड स्टेप है हमारा टोनिंग। टोनिंग के लिए आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हैं, जो भी टोनर अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। आपके पास टोनर भी नहीं है तो आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। अब जो स्टेप है वो है मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग आपके फेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई रेमेडी यूज़ करें आपको मॉइस्चराइजिंग करनी ही करनी है। अगर आपको मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है तो आप सिंपली ऑयल जो आप लगाते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो लास्ट स्टेप है वो है बहुत इम्पॉर्टेंट, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था, वो है आपकी सनस्क्रीन। आप कोई भी सनस्क्रीन जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप लगाएंगे अपने फेस पे। वाटर बेस्ड सनस्क्रीन आपको घर में यूज़ करनी है, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इरिटेशन होता है बहुत ज़्यादा थिक सनस्क्रीन से तो आप वाटर बेस्ड ख़रीद लीजिए, उसको आप घर में यूज़ करिए, बट आपको लगाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो लास्ट है वो है सनस्क्रीन। ये जो रेमेडी मैंने आपको बताई है ये स्पेशली टैन रिमूवल रेमेडी है। आपकी टैनिंग बहुत तेज़ी में रिमूव होगी, टैनिंग की जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी इस रेमेडी से। आप इसका इंस्टेंट रिजल्ट देखेंगे। आप हाथ में लगा सकते हैं, आप पैर में यूज़ कर सकते हैं, या एज अ बॉडी स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको स्क्रब में कॉफ़ी एंड शुगर लेना है, दैट्स इट, और लेमन जूस से आप अपने हाथों पर लगा सकते हैं। अगर आप बाहर से प्रोडक्ट्स ले रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं तो आप घर की रेमेडीज ट्राई करिए, बहुत ही इफेक्टिव होती हैं। आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना वो उसको सॉल्व ज़रूर करती है। और हाँ, जिसको भी कॉफ़ी से प्रॉब्लम है वो इस रेमेडी को ना करे, क्योंकि कभी कभी होता है कॉफ़ी से लोगों को पिंपल्स निकल आते हैं। रोज़ नहीं करना है, आपको इसको हफ्ते में एक से दो बार करना है, दैट्स इट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव योरसेल्फ।